नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयधियानम नमो आयधियानम नमो वस्यायानम नमो वस्यायानम नमो लोये सर्वसाहुनम ऐसो पंच नमकारो सब बाभवनासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगत ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी श्यादवाद वाणी, श्यादवाद वर्तन और श्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। कहीं सदियों से और कहीं अवतारों से हम धर्म की सही परिभाषा समझ ही नहीं पाए। हम धर्म को ये मानते हैं कि एक भगवान को मानना, एक गुरु को मानना, एक मंदिर को मानना, एक मंत्र को मानना, एक शास्त्र को मानना, वर्तमान गुरु शिष्य को मानना, परंपराओं को मानना, रिचुअल्स को मानना, संस्था को मानना, इसको हम धर्म मानते हैं। और ये धर्म की परिभाषा वो भ्रांति है। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। क्या है? संप्रदाय। और संप्रदाय के अंदर कभी वितरागता नहीं होती है और संप्रदाय से मुक्ति का मार्ग ही नहीं है। कोई भी संप्रदाय है,
संप्रदाय का मतलब ही होता है पार्टीशन, क्या होता है? और पार्टीशन का मतलब होता है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में नहीं आया, और इसी पकड़ में हम जी रहे हैं और मानते हैं कि यह मार्ग सही है और यही मार्ग से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये बात सही? धर्म का मतलब क्या है? ये दुनिया की वास्तविकता को समझना, धारण करना, अनुभव करना, इसको धर्म बोलते हैं। सांप्रदायिक बातों को संप्रदाय बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है सनातन सत्य को धारण करना, समझना, अनुभव करना, और ये दुनिया में से वही सनातन सत्य की दृष्टि से राग द्वेष और अज्ञानता और कसाय खत्म करना। संप्रदाय में तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को स्वीकार नहीं करता है, एक गुरु दूसरे गुरु को नहीं मानता है, एक शिष्य दूसरे शिष्य को नहीं मानता है, एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर में नहीं जाता है, एक रिचुअल्स वाला दूसरे रिचुअल को फॉलो नहीं करता है। यानी हर जगह भेद है, पार्टीशन। तो उसमें से आपको सनातन सत्य कैसे समझ में आएगा? क्योंकि दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट से चलता है। कैसे चलता है? सभी धर्मों में एक ही फॉर्मेट है। सभी धर्मों में धर्म कोई सा कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, मगर फॉर्मेट एक ही। और वास्तविक धर्म है वो फॉर्मेट से ऊपर है। सभी दुनिया के धर्म एक ही प्रकार के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, और आपको इसमें से कोई एक फॉर्मेट को चूज करना है। मगर द फॉर्मेट इज सेम, सिस्टम इज सेम। आप कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, एक टाइटल भगवान का रहेगा। या सुनो, आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करो, एक टाइटल गुरु का रहेगा। बराबर के नहीं? अब कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, एक टाइटल मंदिर का रहेगा। अब कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, एक टाइटल रहेगा मंत्र का। या सुनो, मैं टाइटल की बात करता हूं, पर्टिकुलर नहीं कहता हूं। हर धर्मों में यह फॉर्मेट है। आप कोई भी धर्म को फॉलो करेंगे, शास्त्र का फॉर्मेट रहेगा, कॉलम रहेगा। इसके नीचे आओगे तो वर्तमान गुरु शिष्य का फॉर्मेट रहेगा हर धर्म में, वर्तमान। इसके नीचे जाओगे, हर धर्म में अपनी रिचुअल्स रहेगी, एक कॉलम रिचुअल्स का होगा, और हर धर्म में एक कॉलम संस्था का होगा। ये फॉर्मेट सब में क्या है? इक्वल है कि अलग अलग है? टाइटल चेंज होगा, फॉर्मेट तो वही है ना। तो फॉर्मेट में से आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की बात समझ में आएगी? कोई भी फॉर्मेट से आएगी? सांप्रदायिक सत्य ही समझ में आएगा कि हमारा संप्रदाय क्या कहता है। सनातन सत्य तो समझ में आएगा ही नहीं, वो तो बियॉन्ड है, इसे ऊपर है। तो इसीलिए कहीं अवतारों से हम अपना जीवन फॉर्मेट के माध्यम से बिता रहे हैं। अगर एक फॉर्मेट पसंद नहीं आया तो दूसरा फॉर्मेट, वो पसंद नहीं आया तो तीसरा, आप समझे। मगर फॉर्मेट में से बाहर निकलना, वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हम सब उलझन में है। क्या है कि आखिर ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है? जब समर्थ पुरुष जैसे भगवान महावीर थे और गौतम स्वामी,
तो गौतम स्वामी ने एक भी प्रश्न ये नहीं पूछा कि भगवान मोक्ष में जाने के लिए कोई भगवान के टाइटल की जरूरत है, कोई गुरु के टाइटल की जरूरत है, कोई मंदिर की टाइटल की जरूरत है, कोई मंत्र की जरूरत है, कोई शास्त्रों की जरूरत है। उस समय तो शास्त्र थे ही नहीं। कोई रिचुअल्स की जरूरत है? यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भी मावी को नहीं पूछा, मावी ने कहा भी नहीं। और जब कृष्ण के साथ अर्जुन का संवाद था, कृष्ण ने भी कभी यही फॉर्मेट की बात नहीं पूछे। और आज उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, मगर फॉर्मेट के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय तो फॉर्मेट था नहीं, न कभी गौतम स्वामी ने फॉर्मेट की बात कही, न महावीर ने कही, न अर्जुन ने पूछी, न कृष्ण ने कही। तो फॉर्मेट कहां से आया? फॉर्मेट था ही नहीं। कोई भगवान को भगवान के रूप में मानना वो गलती नहीं है, मगर सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा। आप समझे? हम जिसको हमको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपनी दृष्टि को ब्रॉड बनाना है, क्योंकि राग द्वेष से मुक्त होना है, कसारों से मुक्त होना है, अज्ञानता से मुक्त होना है, तो ये दुनिया का सनातन सत्य जानना पड़ेगा। कि हम छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करते हैं, कसाय कर देते हैं, और वही सब पैकेज भगवान ने छोड़ दिया। यह सुन लो, तो हम भगवान को मानेंगे, भगवान का नहीं मानेंगे? नहीं समझ में आया? भगवान को मानेंगे, भगवान का नहीं, तो भी प्रगति होगी ना? बोलिए। बात तो समझनी पड़ेगी ना। 24 तीर्थंकरों ने अपने जीवन में छोटे बड़े आयुष्य के अंदर कितने मंदिर बनाए? हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। वो धार्मिक आस्था का स्थान है, साधना का स्थान है, हम स्वीकार करते हैं, मगर मंदिर को मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो? यह मेरा प्रश्न है। मंदिर कोई गलत बात नहीं है, मुक्ति के साथ क्यों जोड़ो? इंसानियत के साथ जोड़ो, मानवता के साथ जोड़ो, पाप पुण्य के साथ जोड़ो, मुक्ति के साथ क्यों जोड़ते हो? समझ में आए? भी मंत्र बोलना है तो कोई भी मंत्र बोलो, आपको जो पसंद आए वो बोलो, कोई गलती नहीं है आपकी, मगर मंत्र को मुक्ति के साथ क्यों जोड़ते हैं? भाई तुम इतनी माला गिनोगे तो इतना काम हो जाएगा, ये माला गिनोगे तुमका दुख चला जाएगा, तो आखिर ये सब बातें मोक्ष के लिए है या संसार में सहायक है? और बात कहते हैं मुक्ति मिलेगी इससे, तो गलती तो है कि नहीं? संसार के लिए है जरूरी तो हम कोई मना नहीं करेंगे। अगर आपको बुखार आया है, आप मेडिसिन लोगे तो मना करेंगे कि गलत है? आप समझे? अगर तुमको लगता है कि संसार में जीना मेरे लिए भारी हो गया है, संसार में जीना, परिवार के साथ जीना मेरे लिए भारी हो गया है, अगर हमको लगता है कि हमको संसार में परिवार में रहने से भारीपन महसूस होता है, माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, इसके साथ रहना हमको भारी लगता है, और जीवन में मेरे को ये भौतिक संपत्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दीक्षा ले लो, त्याग ले लो, गलती नहीं है आपकी, मगर आप संसार से कंटाल की दीक्षा ले तो इसको मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो? That is your inability to live in a संसार with vitrakta, that is your inability, इसको मोक्ष के साथ क्यों जोड़ते हो? आप समझे कि नहीं? आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ भी करो, मानसिक संतुलन के कुछ भी करो, आप तंग आ गए, ठीक है, फिर वो कहूंगे मैं 2 घंटा मंदिर में बैठूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी, अच्छी बात है, पर ये मेडिसिन है या मुक्ति का मार्ग है? ये मन की मेडिसिन है, आपने जोड़ दिया मुक्ति के साथ, तो ये गलती है।
कोई भी डिसीज है उसका मेडिसिन के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर वो मेडिसिन को मुक्ति के साथ आत्मा के साथ मत जोड़ो। यही तो गलती हो गई, आप समझे? गलती यहां से शुरू हुई, जो सच्ची बात हम समझ नहीं सके। आज हर जीव के अंदर परमात्मा बैठे है, ठीक है? यस और नो? फिर भी कहेंगे कि आपको यह मंदिर में नहीं जाना है, वह परमात्मा नहीं है, ये देव देवता को वंदन नहीं करना है, परमात्मा नहीं है, ये संप्रदाय में नहीं जाना है, वहां के लोगों के परमात्मा नहीं है। तो आपको परमात्मा देखना है या प्रकृति को देखना है? आप समझे कि नहीं समझे? जब मैं बिजनेस करता हूं तो मेरे कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कास्ट का, नो प्रॉब्लम। यस और नो? यस और नो? और जिसको मैं माल देता हूं वो भी कोई धर्म वाला होना चाहिए, मेरे कोई तरीफ नहीं है। सिर्फ धर्म की बात आएंगी तभी एक धर्म की बात करूंगा, बाकी सब गलत, हमको फॉलो नहीं करना है। पैसे कमाने की बात है, स्वार्थ की बात है, जो सब एक्सेप्ट। मियां भाई भी माल बेचेंगे, हमको 50% प्रॉफिट मिलेगा, हम इसको बात ले लेंगे, मगर मियां भाई में शुद्धात्मा नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं है ऐसा, हमारे भगवान ने कहा है ऐसा है, बोलते नहीं। तो कोई तो सच्चाई की बात समझने की कोशिश करो। परमात्मा आत्मा सबके अंदर है और वो इक्वल क्वालिटी का है, और बाहर का जो मोहरा है वो कोई भी हो सकता है। यस और नो? हम चाहे झोपड़ी में रहे चाहे महल में रहे, इंसान तो है ना, तो शरीर कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, मगर परमात्मा में कहां डिफरेंस है? है? तो ऐसे उलझ गए ताकि सच्चाई मालूम ही नहीं होगी। फॉर्मेट में इतने पक्के हो गए, बाहर निकालने के सब रास्ते बंद कर दिए, क्या कर दिए? सील कर दिए, क्या कर दिया? अभी आप यहां से बाहर निकलोगे तो गिर जाओगे, डूब जाओगे, नर गति में जाओगे। ऐसा ऐसा भय बता के आदमी को डब्बा में फिट कर दिया, क्या कर दिया? क्या करोगे? फिर कहते ये हमारी प्रगति है। कितनी सिंपल बात है, मगर वो नहीं समझ सके हम। महावीर भगवान सहित जितने भी तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, हाँ या ना? महावीर भगवान के सभी गणधर ब्राह्मण थे, सभी गणधर ब्राह्मण थे, तुम सभी तो ब्राह्मण थे, उनके सब भाई तो थे। जम्बू स्वामी सुंदरमा स्वामी वो तो अलग थे ना, राजकुमार थे, वो सब भाई थे उनके, वो अपने परिवार के साथ अपने भाइयों के साथ वो आए थे, पहले वो आए बाद में पूरा परिवार फैमिली पूरा सब ब्रदर आए थे, सब भाई, ये सब लिखा है शास्त्रों में, ये मेरी बात नहीं है। तो आप समझो, पर भगवान के शिष्य में तो चोर भी थे, साहूकार भी थे, सभी कास्ट के थे, उस समय तो कास्ट जैसा भी नहीं था, उस समय तो आश्रम जैसा था, आप समझे, आश्रम था और चार वर्ण था। तो सिंपल बात थी, और कोई भी व्यक्ति धर्म में आके धर्म सुन सकते थे, धर्म का पालन कर सकते हैं, दीक्षा कर ले सकते थे, पुरुषार्थ कर सकते थे और मुक्ति के मार्ग में आगे जा सकते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अभी कट्टरता बना दिया। पहले जमाने में कोई भी गांव में जाओगे तो धार्मिक स्थानक एक ही था, कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए या कोई भी सन्यासी आए तो सबको मालूम है कि उसका प्रोग्राम है तो कहां है, क्योंकि जगह
और वो जगह के कोई मालिक नहीं थे, पूरा समाज उसका मालिक था। यस और नो? उस समय कोई झगड़ा भी नहीं था। कोई भी धर्मगुरु आके वहां रुक सकते थे, अपना उपदेश प्रवचन दे सकते थे, आगे जाके वो विहार करते थे। कोई संत भी आ सकते थे, सन्यासी भी वही जगह पे आते थे। तो ऐसा कोई भेदभाव आज क्या हो गए? कितने पंथ हो गए? इतनी सारी बड़े बड़े धार्मिक स्थान बनते हैं, बड़े बड़े कॉस्टली आपके पैसे से, नहीं समझ में आया? जिन्होंने त्याग लिया है उनका पैसा नहीं है, नहीं समझ में आया? जो संसार चला रहा है उसका पैसा है, उसके पैसे से बड़े बड़ी संस्थाएं बना दिया, मगर संप्रदाय बना दिया। तो भले ही ये संस्था 365 डेज में 5 दिन ही वर्किंग होती है, क्या होती है 360 डेज कोई काम होता है, मगर किसी को देने का फालतू पड़ा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी किसकी है? वो धार्मिक पुरुषों की, संसार लोगों की है। बोलिए, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट किसका है? और अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसा वेस्ट करोगे? मकान ऐसा रखोगे? कुछ काम नहीं है तो किराए पर भी दे देंगे ना, ये तो कुछ भी नहीं करने का, क्यों क्या बन गया संप्रदाय? तो देखो, मैं हर धर्म की बात करता हूं, एक धर्म की बात नहीं करता हूं। सच्चाई तो सुननी पड़ेगी, गलती है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, भले हो गई है स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा सहयोग इसी में है। यस और नो? यू आर द पार्ट ऑफ दिस। और जैन धर्म में स्पष्ट कहा है, करना है, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है, गुड एंड बैड दोनों के लिए। यस और नो? तो इसीलिए आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप समझे ना? हर बात के लिए आप जिम्मेदार हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सच्चाई जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम संप्रदाय से ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, तो वास्तविकता क्या है? हम सब अपने जीवन में सुख पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए, सनातन सुख पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करती है, करती है कि नहीं? और हर व्यक्ति जब अंतिम समय में आती है तब भी कहता है, मैं सुख प्राप्त करके जाता नहीं, सभी प्रकार की उलझन टेंशन लेके जाता हूं, अभी मैं जाऊंगा तो मेरा परिवार को क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्ची को क्या होगा, बहू का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये टेंशन लेके मैं जाता हूं, वो सुखी होके। मैं हर व्यक्ति की बात करता हूं। तो कोई कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं बच्चे, और उसमें से 100% लोग फेल होते हैं, वो कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा? यहां तो सब फेल होते हैं, सेम कॉलेज, सेम एजुकेशन, सेम प्रोसेस। तो फेल होने का अवार्ड लेना है क्या? तो बात को तो समझ नहीं पड़ेगी ना। तो बात को तो समझ नहीं पड़ेगी ना। जिसको हम अनुभवी पुरुष कहते हैं, जिसको हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिनका विजन ये व्यवहार सत्य से बहुत ऊपर है, अगर इनकी बातों को समझने की कोशिश करोगे तभी आपको मालूम होगा कि हम कहां तक अज्ञान में फंसे हुए हैं। मैं पाप पुण्य की बात नहीं करता हूं, अज्ञान की बात करता हूं। कहां हम अज्ञान में फंसे हुए हैं? पहले हम सुख की परिभाषा जानने में फेल हो गए,
क्योंकि जो जो पाते हैं सुख के लिए, वो पाने के बाद सुख मिलता नहीं है, सबको अनुभव है। खेलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पढ़ाई करने के बाद, डिग्री मिलने के बाद भी सुख नहीं मिला, पैसा कमाने के बाद भी सुख नहीं मिला, शादी करने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे होने के बाद भी सुख नहीं मिला, बच्चे को बड़ा करके शादी करवाया फिर भी सुख नहीं मिला, समाज में बहुत कुछ काम किया फिर भी सुख नहीं मिला, धर्म की बहुत आराधना किया फिर भी सुख नहीं मिला। आप समझे ना, अच्छे अच्छे काम किए फिर भी सुख नहीं मिला, और आज हम जब जा रहे हैं ऊपर तब दुख लेके जा रहे हैं, हैप्पीनेस लेके नहीं जा रहे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है, बात तो समझनी पड़ेगी ना। अगर रास्ता सही है तो रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, कहीं तो गलती है कि नहीं, और गलत रास्ते पर ही आगे जाते रहेंगे अनेक अवतारों से, फिर कहता है कि प्रगति होती नहीं, कैसे होगी? हाउ इट इज पॉसिबल? आप समझे कि नहीं? अगर आप रात को ही दिन कहोगे 1,00,000 बार भी, तो वो दिन हो जाएगा? नहीं। तो अज्ञान को ही ज्ञान कहोगे तो ज्ञान हो जाएगा? और ये जीवन में जो पाप पुण्य का बंधन है, इसी को ही सुख मानोगे तो क्या वो सुख बन जाएगा? पाप पुण्य दोनों तो बंधन है, क्या है? बंधन। और इसको आप सुख मानोगे तो क्या सुख हो जाएगा? अगर इसमें सुख होता तो भुक्त पुरुष छोड़ के जाते क्यों? अगर इसमें सुख होता तो फिर उनको भी सुख चाहिए, तो भी छोड़ा क्यों उन्होंने? तो बात को समझनी पड़ेगी कि नहीं? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर, कोई भी वस्तु के अंदर, कोई भी व्यक्ति के अंदर और कोई भी अवस्था के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं। और हमको इसमें से क्या चाहिए? मिलेगा? कितने अवतार से हम भटक रहे हैं, कितने? सच्चाई बताने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे? तब ज्ञानी कहते हैं, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, ये मटेरियल का स्वभाव नहीं, ये रिलेशन का स्वभाव, ये जो पैसा मिलता है, साधन मिलता है, ये संबंध होते हैं, संपत्ति होता है, वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। यस और नो? तो जब भुगतान खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो वो सुख का साधन है या कर्मों के हिसाब का साधन है? अगर आपको ये मकान मिला तो ये कर्मों का हिसाब है कि सुख की बात है? चला भी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिली आपको अच्छी, वो भी एक दिन, साधन संपत्ति सब कुछ मिला, चला जाएगा। ये शरीर मिला, इसको भी जलाना है। तो आप समझो, जिस शरीर के माध्यम से हम सुख का उपभोग करना चाहते, वो शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हमारा होंगे तो हम जलाएंगे। तो उनके साथ जुड़े हुए सत्ता संपत्ति संबंध और साधन क्या हमारा हो सकता है? जब शरीर हमारा नहीं है, ये सब कुछ हमारा हो सकता है? तो जब शरीर ही हमारा नहीं है, आप समझो, तो शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा हो सकता है? तो जो हमारा नहीं है उसमें से हमको सुख मिल सकता है? बस यही तो भ्रांति है, यही तो। जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं। इसीलिए कई अवतारों से हम फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई अवतारों से। जब कोई मर जाता है तो मालूम होता है कि आत्मा निकल गए, तो जिंदा है तो आत्मा नहीं है, बोलते नहीं है, मगर वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? जब जिंदा होता है तो शरीर की वैल्यू, मर गया तो बोला आत्मा निकल गया, वो
बोला आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जब जिंदा होता है तो फिर आत्मा नहीं है तो चलेगा, किसी वैल्यू नहीं हो आत्मा की जब जिंदा है तो। सत्ता संपत्ति साधन संबंध पैसा उसकी वैल्यू है क्योंकि जिंदे हैं, मर गए तो बोला अभी इसके क्या वैल्यू है, आत्मा की वैल्यू है, जिंदे है तो संपत्ति की, मर गए तो आत्मा की। यानी कुछ मालूम समझ में आया, तो सच्चाई को समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी चीज में सुख होता है, कोई भी चीज के बात होता है इंक्लूडिंग मनी, ये सब साधन संपत्ति संबंध सत्ता साधन ये व्यवहार चलाने के लिए है कि हैप्पीनेस के लिए है। और मानते हैं यही तो मानता है, एक व्यक्ति को यमराज लेने के लिए आया बनिया को, तो बनिया तो चतुर होता है, यमराज को भी उल्लू बना सकता है। तो भाई बनिया ने पूछा भाई क्या आप मेरे को लेने के लिए आए, मैं मना तो नहीं करूंगा मगर अभी दिवाली का मौसम है कोई स्कीम है कि नहीं, वो सैन होता है ना। तो बोला आपके पास दो ऑप्शन पड़े हैं, बोला कौन सा दो ऑप्शन पड़ा है, एक तो अभी ले जाओ, ये तो अभी का बात है लेने के लिए आया, मगर आपको अगर बचना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं एक महीने का आयुष्य बढ़ा दूं, क्या बताया एक महीने का, या तो मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, अभी क्या करेगा है पैसा नहीं लेगा तो बनिया है, पैसा लगे करेगा क्या, जब जिंदा है तो पैसे की वैल्यू, जब मर जाते हैं तो आयुष्य की वैल्यू, तो जिंदा है तो आयुष्य की वैल्यू नहीं, अभी नहीं। यही तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आया, समझाने वाले नहीं मिला। जब जिंदा है तो सब कुछ है, जब जिंदा ही नहीं है तो मतलब क्या रहा, और जिंदा इसीलिए क्योंकि आत्मा है, शरीर इसीलिए नहीं, ये आत्मा निकल जाने के बाद भी आप शरीर को रखना चाहे तो 2-3-5 साल रख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो आज भी नहीं है और कल भी नहीं, वैल्यू सिर्फ आत्मा की होती है और करते हैं, और शरीर के साथ किसकी वैल्यू करते हैं, सत्ता संपत्ति संबंध और ये उनके साथ जुड़ा है, जब उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी, तो ये सब कुछ होते हुए भी हम आत्मा की वैल्यू करेंगे तब समझ में आएगा क्या कि दुनिया क्या है और हम क्या है, हम है तो दुनिया है, दुनिया है तो हम नहीं है, अगर आत्मा नहीं है दुनिया है तो आत्मा है तो दुनिया है, तो वैल्यू शरीर की नहीं पर आत्मा की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, जब हमारे जो समर्थ पुरुष थे तीर्थंकर भगवान कहो केवल ज्ञानी कहो ज्ञानी कहो सबने ही बताया आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा के अंदर ही सब शाश्वत क्वालिटी है, चाहे आनंद कहो ज्ञान कहो दर्शन कहो सुख कहो सब कुछ आत्मा में ही है, शरीर में है नहीं, तो शरीर में नहीं है, समझ में आया, तो भगवान ने भी जब तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा देते थे तो वो दीक्षा देते समय जिनको दीक्षा देते थे उनको बुलाते थे, दीक्षा देते समय एगो में सासु अप्पा ज्ञान दर्शन संजू, मैं एक केवल शाश्वत आत्मा हूं और ज्ञान दर्शन मेरा क्वालिटी है स्वभाव है, शेषा में बाहिरा बाबा बाकी सब ये बाहर के हिस्सा है, शेषा में शेष का मतलब था बाकी जो बचा वो बाहर का भाग है, शेषा में बाहिरा बाबा सव्य संजोग लखना, ये कैसा है संजोग लक्षण वाला है, यानी पाप और पुण्य का हिसाब वाला है, तम्मा संजोग संबंधम
सवम तिभ्य भोसराली, यानी ऐसे राग द्वेष कसाय वाले बंधनों को मैं अपने भाव से त्याग कर देता हूं। उदय तो जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, मगर नया भाव राग द्वेष का कसायों का मैं नहीं करता हूं, इसको क्या करता हूं, समर्पण करता हूं। और मैं केवल शाश्वत आत्मा हूं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति, वो मेरा ही स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है। तो ये लक्ष्य में रख के जीना, इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं साधु। हाँ, कपड़े बदलने से साधु नहीं होते हैं, आप समझे ना, कपड़े बदलने से साधु नहीं होते, दृष्टि बदलने से साधु होता है, क्या बताएं? जब दृष्टि में आत्मा की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा के ज्ञान दर्शन की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की शक्तियों की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की चैतन्यता और अविनाशी पद की ही वैल्यू रहेगी, तभी ये संसार में से वैराग्य आएगा, नहीं तो आने का संभव नहीं। तो कोई चीज के अंदर सुख नहीं है, मात्र मान्यता, मेरे को ये कपड़ा पसंद है तो मेरे को सुख मिलता है, मगर कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव है वो तो मेरी बिलीफ है। ये बहन ज्वेलरी पहनती है, ज्वेलरी में सुख देने का स्वभाव है नहीं है, वो जवेरी बोलता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ये लोग कहते हैं हमको खरीदने के बाद पहनने में आनंद आता है, कौन सही कौन गलत मालूम ही नहीं। बिल्डर कहता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ग्राहक कहता है मेरे को खरीदने में आनंद आता है, तो कौन सही कौन गलत, दोनों का अपना अपना पॉइंट। एक कहते हैं मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, एक कहते हैं मेरे को चपाटी में आनंद आता है, तो कौन गलत कौन सही, व्यू पॉइंट। फैक्ट कहाँ है, फैक्ट का मतलब होता है अगर शुगर मैंने सबको दे दिया, शुगर का पीसी सबको दे दिया और सबने मुंह में रख दिया और मैं पूछूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो क्या कहेंगे सब, सबका आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि ये शुगर का ये आपका व्यू पॉइंट आपकी बिलीफ नहीं, मगर मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है वो मेरा व्यू पॉइंट है, पिज्जा नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कपड़ा नहीं कहता है कि मैं सुख देता हूं, मकान नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कार नहीं कहती मैं सुख देता हूं, लक्ष्मी नहीं कहती मैं सुख देता हूं, परिवार नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कोई नहीं कहता है सुख देता हूं, हम मानते हैं, तभी कहते हैं कि वास्तविकता है वो सबके लिए एक होती है और मान्यता सबके लिए, तो मान्यता वो वास्तविकता और उसी में हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसको कहते हैं माया की, माया के जाल, आप समझे, जाल में फंस गए फिर क्या होगा, आप समझे, एक भाई था, बड़ा परिवार था उसका, छह लोग रहते थे परिवार में, माता पिता पति पत्नी और दो बच्चे थे, छह लोगों के साथ में रहता था, कमाता था और घर चलाता था, फिर इसको लगा शादी करने के बाद 5-15 साल के बाद कि भी ये संसार में इतना सारा करने के बाद सुख तो मिलता ही नहीं है, मजूरी ही मजूरी है, नहीं समझ में आया, लेबर एंड लेबर नॉट हैप्पीनेस, नहीं समझ में आया, पहले ये शरीर को माँ बाप के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने भाई बहन के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने पति पत्नी के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने बच्चों के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने परिवार के लिए सेवा किया, पड़ोसी के लिए सेवा किया, मित्रों के लिए सेवा किया, समाज के लिए सेवा किया, धर्मों के लिए सेवा किया, और फिर भी कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है, लाइफ किसी की पर्सनल होती है, यू आर इन अ पब्लिक एंड टेल मी दिस इज माय पर्सनल लाइफ, इज इट पॉसिबल,
यू आर लिविंग इन अ जंगल, सोसाइटी में रहते हैं, बोला मेरी पर्सनल लाइफ क्या, लाइफ किसी की पर्सनल हो सकती है, वाइफ हो सकती है, लाइफ हो सकती है, लाइफ तो समाज के लिए होती है, सबके लिए होती है, मगर आदत आदत पड़ गई बोलने की, क्या हो गई, बिना सोचे समझे। तो इतने सारे लोगों के लिए जीवन जीना है, अभी आप समझो, पहले छोटा था तब अकेला था, माँ बाप तो थे मगर माँ बाप उसके ऊपर थे कि इसको कोई चिंता है, खाना पीना घूमना जो कुछ करना है वो करे, आप समझे ना, कोई टेंशन नहीं था, अकेला था और माता पिता उसके ऊपर थे, बड़े भाई बहन भी थे तो इतने कोई जिम्मेदारी नहीं थी और आनंद से दिन गुजरता था, खेलते कूदते पढ़ते, आप समझे ना। मगर लोगों को कहने से, लोगों की बात सुनने से, परिवार की बात सुनने के बाद, समाज की बात सुनने के बाद उसको लगा कि नहीं, अभी मेरे को जो आनंद हो रहा है अकेले जीने में वो काफी नहीं है, क्योंकि लोग कहते कि शादी तो करना ही पड़ेगा, इससे जो आनंद मिलेगा वो अभी तक के आनंद से बहुत बढ़िया आनंद है, क्योंकि वो तो अनुभव करेंगे उसके मालूम बताने, तो फिर उसको कैसे भी करके शादी करवाते हैं बच्चे को, तो शादी तो कर दिया उन्होंने, अभी जिम्मेदारी क्या हो गई, बढ़ गई, एक से दो की जिम्मेदारी और पूरे घर की जिम्मेदारी, अभी तो क्या हुआ, शादी करते ही पार्टीशन, अलग रहो, लाइट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, रेंट, पेट्रोल, सब, घर की सफाई, मेंटेनेंस, सब आपको करना है, पहले परिवार में आपको कुछ नहीं करना था, अभी सब कुछ आपको करना पड़ेगा, यह सुन लो। देखो तो सुख के लिए हम वास्तव में सुख की अनुभूति करते हैं कि मजदूरी करते हैं, और मजदूरी को हम हैप्पीनेस मानते हैं। फिर दो बच्चे हो गए तो चार की जिम्मेदारी, दोनों परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, पड़ोसी की जिम्मेदारी, फ्रेंड्स की जिम्मेदारी, अभी क्या करूंगा। तो ऐसे जिम्मेदारी से वो तंग आ गया, क्या आ गया कि मैं तो ये सब कुछ आनंद के लिए कर रहा था, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्या हुआ, फंस गया, अभी क्या करूं। तो एक दिन परिवार को बोल दिया कि मैं घर बार छोड़ के निकल जाता हूं, ये जो कुछ है वो आपको समर्पित करता हूं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, ऐसे करके निकल गया जंगल के अंदर। तो परिवार के कपड़े थे वो भी दे दिए, लंगोट पहन के निकल गए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही सब माया की जाल है, छोड़ के चला गया और जंगल में रहने लगा, वो पानी पीने लगा तालाब का, पैर पत्ते खाने लगे और पूरे दिन साधना करने लगे, नींद तो आती नहीं है क्योंकि खाना तो है नहीं कोई बाहर, वो पैर पत्ते खाते थे, फल फूल खाते थे, पानी पीते थे, खुली हवा में रहते थे और कोई था, टेंशन भी नहीं था, आप समझे, और फैसिलिटी भी, टेंशन भी नहीं था, फैसिलिटी भी, कोई बोलने वाला भी नहीं था, जब जागना है तो जागो, सोना है तो सो, कोई चिंता नहीं, ऐसे करते करते जंगल में रहने लगे। तो जंगल में से लोग पास होते रहे, आते जाते रहे, तो उनको देखा कि ये साधु, ये संत, ये सन्यासी अकेला जंगल में रहता है, उनके पास कोई शक्ति भक्ति सिद्धि विद्धि होगी तभी तो यहाँ रहता है, तो यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कुछ मकान नहीं है, कुछ उसके शिष्य नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी रहता है तो कोई शक्तिशाली, ये कोई साधारण नहीं होगा, आया है घर से भाग के, मगर लोग तो नहीं मालूम, क्या लोगों को तो मालूम नहीं है ना, नोबडी नोज हिस्ट्री, कोई इतिहास नहीं जानता है, तो वो तो बा लोग उनके पास जाने लगे, मत्थे टिकाने लगे, कुछ खाना पीना फल फूल देने लगे, कुछ नहीं था तो एक मटकी रख दिया पानी की, धीरे धीरे सुविधा बढ़ने लगी, और सन्यासी तो वही रहे, वही के वही रहे, एक ही लंगोट थी उनको, रात को धोके लगा देते थे, सुबह पहन लेते थे, परिग्रह ही नहीं चाहिए मेरे को, क्या बताया, यही तो संसार की माया है। तो भी धीरे धीरे लोग इसको मिलने के लिए आने लगे, उनका समुदाय बढ़ने लगा,
पहले दो चार आते थे, अभी 50-50 हुआ, 100 लोग आए। तो फिर लोगों ने कहा, सभ्य लोगों ने, कौन से सभ्य लोगों ने कहा कि बाप जी आप वही के वही लंगोटी पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप एक दो और रख दो। ना ना करते उन्होंने ले लिया, अभी क्या करेंगे, तो ले लिया। तो फिर एक धोखे देते थे, एक पहनते थे, फिर ध्यान करते थे रात को। धीरे धीरे उंदर आया, उंदर समझते हैं, चूहा। तो चूहा वो लंगोट को काटने लगा, तो उसका ध्यान वहां गया, चूहे को हटाया, फिर ध्यान में लगा, फिर चूहा आया, फिर हटाया, पूरी रात यही चला। थोड़े समय के बाद फिर भी उनके फॉलोअर्स आए कि बाप जी कोई सेवा है तो बोलो। तो बोला तुमने ये लंगोट तो दिया, अब इसका ध्यान कौन रखेगा, मैं आत्मा का ध्यान रखूं या लंगोट का ध्यान रखूं। तो बोला कोई चिंता मत करो, हम आपको बिल्ली दे देते हैं। क्या देते हैं? तो वो चूहे को नहीं आने देंगे। तो फिर गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, लगा दो। तो पैर के पास वो लगा दिया, बिल्ली को लगा दिया, बिल्ली को देखकर चले गए। ये क्या हुआ, चूहा तो आता नहीं है मगर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इनको भूख लगी है, इनके पास तो कुछ है, अभी क्या करोगे। ऐसे करके थोड़े दिन निकाले, फिर इसके फॉलोअर्स आए कि बाप जी कुछ सेवा। तो बोला तुमने तो बिल्ली दिया है मगर वो भी म्याऊं म्याऊं करती है, अभी मैं कहां से लाऊं उसके लिए दूध, चिंता मत करो, हमें गाय को लगा देते हैं। नहीं समझ में आया, तो गाय लगा दिया हमें, तो गाय का दूध, बिल्ली की जाती है, अभी गाय भौंकने लगी, अभी क्या करोगे। फिर उन्होंने बुलाया सबको, भी ऐसा तकलीफ है मैं क्या करूं। तो बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम पूरे घास की गंजी भेज देते हैं, पूरी ट्रक, पैसे वाले थे तो दे दिया, वहां जंगल में खड़ा कर दिया। अभी खड़ा करने के बाद वो सोच रहे कि इतना सारा घास का गंजी लगा दिया और किसी ने सिगरेट लगा दिया तो, किसी ने वीडर डाल दिया तो क्या होगा सब, अभी क्या करूंगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, ना बिजली रखेंगे ना गाय रखेंगे, तो ध्यान कौन रखेगा। तो फिर बात वही आ गई कि मैं आत्मा का ध्यान रखू या घास का ध्यान रखू। फिर उसको मिलने के लिए लोग आए कि बाप जी कुछ सेवा है, कि बोला आपने तो इतना सारा दिया मगर ये घास को कोई जला देगा तो, कोई बिजली लगाएगा तो भी जल जाएगा, ध्यान कौन रखेगा। तो बोला कोई बात नहीं, हम आपको एक फैमिली दे देते, हस्बैंड वाइफ वाले, वो संभालेगा इसको। फिर उसको पैसा देना, इसके लिए मकान बनाएगा। आप समझे, एक लंगोट में से पूरा संसार। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो बात समझनी है, हम जिसको सुविधा मानते हैं वो बंधन है। क्या है? बस तो सच्चाई को समझना पड़ेगा। ऐसे करते 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 आज हमारे साधु संत सन्यासी जी क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। सच्चाई सब खत्म हो गई, न सादगी, मकान जो सिंपल थे वो लग्जरियस हो गए। कई लोग कहते कि चलो भी चलना तो है ही, फिर क्या हुआ, भी चल तो सकते नहीं है, तो ट्रॉली ले लिया और चार आदमी ले लिया, कितना है, तो चार आदमी का सैलरी चाहिए कि नहीं। फिर सामान है, चार साधुओं का चलना भी है, सामान भी है, क्या करोगे। बोला गाड़ी ले लो, गाड़ी को रख दो सामान में, गाड़ी चलते चलते धीरे धीरे आएगी पीछे। अभी क्या हुआ, संसार हुआ कि नहीं चालू। आप समझे ना, संसार से निकले वापस संसार में आ गए। पैसे को हम टच नहीं करेंगे, मगर हमारे कहे बिना पैसे का आप यूज भी नहीं कर सकोगे, भले ट्रस्टी है, भले डोनेटर है, या सुन लो, पैसा आपका, ट्रस्टी आपका और हुक्म, तो मालिक हुई कि नहीं हुई, बोलते नहीं है। तो मालिक की तो परिग्रह है, परिग्रह किसको कहा, कि मंगला साथ में लेके जाएंगे, मगर मैं मालिक हूं, वही तो परिग्रह है, इसीलिए तो राजपूत होता है।
लेकर जाने का तो सवाल ही नहीं है, मालिक की ही तो परिग्रह है। संस्था बना दिया, पैसा इकट्ठा कर दिया, अभी मैं संचालक हो गया। हर बात के अंदर आप देखो धीरे धीरे गिर गए, और उसको गिरने में हम सबने सहयोग दिया। क्या दिया? हम भी इतने ही जिम्मेदार हैं। अभी आप कहोगे कि बाप जी सबको सुविधा दे दिए, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना टाइम पे मिलता है, नौकर चाकर होता है, सब कुछ होता है उनके पास। अभी क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। मेरे पास अभी मिलने के लिए समय नहीं, समझ में आया? पहले टाइम ही टाइम था, अभी टाइम नहीं, क्योंकि खाना पीना आराम करना मस्त रहना अभी टाइम कहां से होगा? तुम्हारे पास कौन मगजमारी करेंगे? एक घंटा आओ, हम कुछ बात बता देंगे, फिर 23 घंटा तो हमारा है ना। अब समझे कि नहीं? ये चलता है साधना का मार्ग खत्म हो गया। क्या हो गया? जब से संस्था मंदिरों ये बड़ा बड़ा फंक्शन करना उसके अंदर दिमाग लगा दिया, पूरी साल उसमें चला जाता है। अगर हमने मंदिर बनाना है 25 करोड़ का, तो प्रोजेक्ट करना पड़ता है 5 साल से, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कहां से लाएंगे, किसके पास से लाएंगे, लाने के बाद किसके पास से रखेंगे, ये सब कुछ टेंशन होता है। किसको? हेड ऑफ द पर्सन को। अगर जिसको दिया है वापिस नहीं देगा तो ऐसा भी होता है, तो बैंक तो आए नहीं, कोई व्यक्ति को ही देना पड़ेगा ना, कैश है, क्या करोगे, कितना टेंशन। अभी वो साधना करेगा या ये करेगा? बोलिए। फिर तुम कहोगे बाप जी हमको शिक्षा दो, कौन सी देंगे? यही देंगे, मंदिर कैसे बढ़िया का बढ़िया बनाना है वो शिक्षा देंगे, संस्था कैसे बढ़िया बनाना है वो शिक्षा देंगे, बड़े बड़े फंक्शन कैसे करना है वो शिक्षा देंगे, क्योंकि उसी में पक्के हो गए ना। अभी आप कहोगे आत्मा की बात करो, बोला आत्मा को छोड़ दो ना, ये करो खाओ पियो मस्त रहो, हम भी रहे तुम भी रहो, फिर क्या होता है? फिर आप कहोगे ज्ञान की बात, कैसे करेगा वो, कैसे करेगा जब उसकी नियत में नहीं है, क्या करोगे? तो ऐसा हो गया है, हर जगह बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आध्यात्म में, मुक्ति के मार्ग में, वितरागों के मार्ग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी होते हैं, इसको अगर मिलना है तो उसके पास टाइम? आप कहोगे मैं तो साधारण आदमी हूं और आपका दर्शन करना चाहता हूं 5-10 मिनट के लिए, मैं आऊं? तो उनका असिस्टेंट ही बोल दिया नहीं भाई टाइम नहीं है उनके पास, बड़े फंक्शन है उसमें आना, अभी पर्सनल वो नहीं मिलते हैं। फिर दूसरा आपका फ्रेंड है उसको फोन करवाओ कि भाई हम मिलने के लिए आ रहे हैं। बोला क्यों मिलने के लिए आए? बोला 10 लाख रुपया का चेक देना है। तो बोला तुरंत आ जाओ, टाइम ही टाइम है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी उनके पास है, तुम पैसा रखोगे कि तू आध्यात्म की बात कैसे करेगा जब उसकी नियत में ही लक्ष्मी है? आपकी नियत में वही है, उसकी नियत में वही है। फिर उसके साथ आप ज्ञान की बात कैसे समझ सकते वो तो बताओ, कैसे समझ सकते हैं? आपके लिए भौतिक संपत्ति की महत्ता है, उनके लिए भी वही है। आप समझे ना, आपको बिजनेस है, दुकान है, कारखाना, उसमें रस है। उनको मंदिर में, संस्था में, बड़ा में, ब्रांच बनाने में उसमें रस है। बात तो एक ही हुई ना, दोनों पैसे का ही तो काम है ना, बिजनेस बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो फिर और क्या है? फिर आप कहोगे आप बाप जी आप आध्यात्मिक बात करो कैसे करेंगे? बोला मैं ये बात करूंगा, पैसा कौन देगा मेरे को, ये संस्था कैसे बनेगी? उदय के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो आपकी बात सही है, मगर नियत तो होनी चाहिए। तो पहले से होगी तो ही काम आएगा, तो नियत ही नहीं है। आप कहोगे बाप जी हमको आगम की बात करना, तुम्हारे को जरूरत नहीं है आगम की बात, बस ये अपना फंक्शन है, उसमें 50 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, बस पुण्य बनेगा, आपकी प्रगति हो जाएगी, बस ये संसार की प्रगति वही, और कौन सी होती है? आध्यात्म की बात ही छोड़ दो, बात ही छोड़ दो। मैं हर जगह जाता हूँ, अभी भी हैदराबाद जाके आया,
तो वहां भी मंदिर में गया था। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान समझने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में सबसे पहली बात ये समझो, जो मैंने कल भी कहा था, ये शरीर मशीन है, क्या है? और वो कर्मों की भुगतान का साधन है, हमारा स्वरूप नहीं है। इसको जलाने के बाद भी हम है, मतलब ये हम बराबर के नहीं। पहले एक बात पक्की करो, गोल गोल नहीं, मैं कोई धर्म की बात नहीं करूंगा, पहले सिद्धांत समझो। ये मशीन है, कुदरत ने बनाया हुआ है। किसने बनाया है? इसके डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है, ताकि हमारे सभी व्यक्तियों के शरीर की डिजाइन क्या है? एक ही है। और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि डिजाइन अगर अलग अलग होती तो डॉक्टर चलता है? नहीं चलता। आप समझे, सबके डिजाइन, ईस्ट और वेस्ट जाओ, एशिया में कहीं भी जाओ, सबके बॉडी की डिजाइन एक ही, सेम सिस्टम, क्योंकि कुदरत ने बनाई है। अगर इंसान बनाता तो इक्वल होती है? नहीं होती। तो नेचर मेड डिजाइन, नेचर मेड। इसके अलावा ये जो डिजाइन तो सॉफ्टवेयर हो गए, ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर जो बना हुआ है वो भी पंच महाभूतों से बना है, या सुन लो, पृथ्वी पानी वायु अग्नि और ये किसका है? ये किसका है? कुदरत का है। डिजाइन भी कुदरत की, ये हार्डवेयर भी कुदरत का। इसके अलावा अगर ये हार्डवेयर को 100 साल तक जीवित रखना है तो हवा पानी खुराक भी कौन देगा? बोलते नहीं, वो भी कुदरत देगा। इसको 100 साल तक जीवित रखा, हवा पानी खुराक देखे, क्यों रखा? कर्मों के भुगतान के लिए। तो भुगतान के संजोग कौन देंगे? भुगतान के पाप और पुण्य के भुगतान के संजोग कौन देंगे? बोलिए, आप समझे। लास्ट में श्वास बंदी कौन करेंगे? तो हमारे पास ये शरीर का कंट्रोल कोई भी लेवल, कोई भी एंगल से है वो बताओ। इस श्वास भी हम अपनी मर्जी से चालू बंद नहीं कर सकते, कर सकते हैं? अगर श्वास के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो जिस श्वास के आधार से यह मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारे पास फ्रीडम हो सकती है? फिर भी मानते हैं, मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैंने किया, आपने बोला, आपने किया। शरीर मेरा नहीं है मगर संपत्ति तो मेरी है, बोलते नहीं है। शरीर मेरा नहीं है मगर संपत्ति हो सकती है? शरीर मेरा नहीं है मगर परिवार तो मेरा है, हो सकता है? शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बात समझनी पड़ेगी ना, इसमें धर्म बीच में आता है? ये सनातन सत्य की बात है, सबके लिए एक है, ये संप्रदाय की बात नहीं है। संप्रदाय से ऊपर जाओगे तो मालूम होगा ना, संप्रदाय से ऊपर होंगे तो सच्चाई मालूम होगी, संप्रदाय में तो संप्रदाय की बात होगी, इसे ऊपर की बात नहीं करेंगे। तो ये मशीन है और मशीन के पास सुख या दुख अनुभूति करने का स्वभाव नहीं है। इस शरीर के पास सुख दुख की अनुभूति करने का स्वभाव नहीं है। सुख दुख तो हमारा अहंकार जो लेकर आए, राग द्वेष वाला, कसाई वाला, कर्म वाला जो अहंकार लेकर आए, वो अहंकार इस बॉडी के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति करता है। ये शरीर नहीं करता है, शरीर के माध्यम से वो करता है। वो भी बॉडी को नहीं होता है, जब जलाते हैं तो किसी को दर्द नहीं होता है। तो शरीर को ही जलाते हैं। मैं क्या कहता हूं, जलाते किसको है? क्योंकि दर्द नहीं होता है तो फिर आत्मा की बात बना दिया, बस तो शरीर का पूछा, फिर बात आत्मा की कर दिया। मैंने आत्मा की बात किया कि शरीर की बात किया?
अगर शरीर को भुगतान होता है जब जलाएंगे तब भी वो चिल्लाएगा मेरे को क्यों जलाते हो, अगर उसको दुख होता है चिल्लाएगा ना, मगर इसको इसके माध्यम से अहंकार को होता है क्योंकि वो कर्म से बना हुआ है, कर्म की मान्यताओं से बना हुआ है, बिलीफ से बना हुआ है, वो पिछले अवतार का लेकर आए बिलीफ, और यहाँ सफरिंग होता है थ्रू द बॉडी, शरीर के माध्यम से संबंध सत्ता संपत्ति साधन के माध्यम से अहंकार को क्या लगता है सुख दुख का एहसास होता है, शरीर के माध्यम है मगर शरीर डायरेक्ट नहीं कर सकता, सुख दुख की अनुभूति शरीर नहीं कर सकता है, अंदर का अहंकार जो जागृत है वही कर सकता है। आप रात को सो गए, क्या बताया, रात को सो गए और वहां से लॉटरी का अनाउंसमेंट हो गया कि आपको लॉटरी लगी है मगर मैसेज नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, सुबह उठेंगे तो आनंद आएगा, बोलते नहीं है, फिर कोई फोन करेगा अभी तुमको लॉटरी लगी है तो आनंद शुरू होगा, अनाउंसमेंट तो कब का हो गया मगर जानकारी तो शरीर तो रात को भी था अभी भी है मगर अहंकार क्या हुआ था, सो गया था, इनएक्टिव हो गया था, क्या हो गया था, अभी एक्टिव हो गया तभी तो अनुभूति करेगा ना, शरीर तो रात को भी था मगर रात को अनुभूति करने वाला है, अगर आप रात को सो गए, अगर आप रात को सो गए घर में 8-10 लोग हैं सो गए, एक व्यक्ति जागी पानी पीने के लिए, वो पानी पी के सो रहे, सो जाने के लिए गई बेड पर, उन्होंने इतना बड़ा 6 फुट का सर्प देखा, क्या देखा, घर के अंदर, बाकी घर के अंदर और 5 व्यक्ति हैं वो भी सो गए और ये व्यक्ति भी सोने जा रहा था, उन्होंने सर्प देखा, फिर क्या होगा, किसको, जिसने नहीं देखा वो तो सो ही, मगर शरीर तो है ना, क्योंकि शरीर तो डर क्यों नहीं है, बोलिए, शरीर है मगर शरीर जागृत अवस्था में नहीं है, अहंकार सुसुप्त हो गया है तो बाहर की वास्तविकता को वो नहीं समझ सकते हैं, समझ में आया, तो इसीलिए सुख दुख शरीर के माध्यम से अहंकार को होता है, आप सुनिए, किसी को कैंसर होता है तो बॉडी में कितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, दर्द शरीर को नहीं होता है, शरीर के माध्यम से जो हमारी बिलीफ है, बिलीफ इसको होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको एक दिन खाना नहीं मिले 24 आवर्स क्या होगा, भूख लगेगी मगर खाना नहीं अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी नहीं दिया तो गुस्सा आएगा, तीसरे दिन भी नहीं दिया तो और 28 कर दिया तो अभी नहीं बोलेंगे, यहां 3 दिन में गुस्सा आ गया, 28 में कुछ नहीं होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, यू डिसाइडेड कि मेरे को नहीं खाना है, यहां डिसाइड नहीं किया और नहीं मिलता है तो पजल है, नाउ यू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ मन के ऊपर है, क्या है, कभी वाइफ बीमार हो गई, बुखार आ गया और हस्बैंड को फोन करके बता दिया अभी आज कोई रसोई वसोई नहीं बनाएंगे, आपको खाना है तो बाहर से लेकर आना, जॉब पर आओगे तो हस्बैंड तो ऑफिस में तो कुछ बोला नहीं, फोन रख दिया, घर में आके गुस्सा करने लगा, भाई क्यों नहीं बनाया, बुखार था तो कोई बात नहीं, आपको खिचड़ी बना लेना चाहिए, गुस्सा करता है क्योंकि क्या उसको खाना चाहिए, क्या चाहिए, मगर जब धार्मिक मौसम आएगी तो बोला मैंने ठीक किया है तो आज बुखार हो ना, आप समझे, माइंड सेट समझते, दैट्स इट, कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, कैपेसिटी है मगर माइंड से, आज मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए बस, बोले मैं कल अट्ठे करूंगा तो ये आप समझे ना,
तो यही मानसिकता से हम दुखी हैं। संजोगों के साथ एडजस्ट होना, इसको कहते हैं मानवता, और संजोगों को फरियाद करना, इसको कहते हैं कि आपकी सोच में कमजोरी है। पहले जमाने में, आज से करीब 100 साल पहले, अभी जो दिखता है इसका 1% भी नहीं था, यह सुन लो, क्या उस समय लोग दुखी थे? देखो, पानी भी कुएं से या नदी से लाना पड़ता था, खाना भी एक या दो ही चीज थी, यह सुन लो, पूरा दिन परिश्रम करना पड़ता था, कपड़ा धोना, स्नान करने के लिए नदी में जाना पड़ता है सबको, और सब एक दूसरे का काम भी करते थे, कभी कोई थकते हैं, बीमार भी नहीं होते थे और दुख भी नहीं होता था, आप समझे? तो इसीलिए हम सगवर को सुख मानते हैं, ये भ्रांति में जीने की जरूरत नहीं है। सगवर ही हमको हैंडीकेप बनाती है। क्या बनाती है? अगर एक बार एसी चालू कर दिया घर में, फिर एसी नहीं होगा तो बोला कितनी गर्मी है और ये एसी बिगड़ गया। मगर तुम्हारे फादर ने, फोर फादर ने, उसके फोर फादर ने बिना एसी आके जिंदगी बिताई। तो ये कोई बड़ी बात है? मगर हम एडिक्ट हो गए, क्या हो गए? आदि हो गए, हैंडीकैप हो गए, अभी इसके बिना नहीं चलेगा। तो हम पावरफुल हुए या कमजोर हुए? आप समझे? तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, जब आपकी दृष्टि अनंत शक्ति वाला अविनाशी ऐसा अनंत ज्ञान दर्शन वाला आत्मा के ही ऊपर लक्ष्य रहेगा हर समय, तो ये संसार के हर प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, क्योंकि तो मशीन है। प्रॉब्लम किसका है? मशीन का। और आप मशीन? इनको तो होगा, राम को भी वनवास हुआ था कि नहीं? कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था, महावीर को भी कर्म क्या लगा था, तो वो तो होना ही है। प्रश्न ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आत्मा में लिप्त रहे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो क्या हम ऐसी अनुभूति नहीं कर सकते? कर सकते। हमारे अंदर जो आत्मा है उनके अंदर आत्मा है, दोनों का पावर अलग अलग है, एक ही है, एक ही है, तो क्यों नहीं कर सकते हम? मगर कमजोरी ये है, सिखाने वाला नहीं है और सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब घर में आएंगे, तुम्हारे घर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बताएंगे, हमको लगेगा हम तो कमजोर है, फिर घर में चीजें लाते ही रहेंगे, लाते ही रहेंगे, लाते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, बराबर है कि नहीं? तो घर पे जैसे घर बनाया, तो पहले 15-20 साल तो चीज सब घर में ला दिया, टीवी, पंखा, एयर कंडीशन, लाइट, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, फर्नीचर, आप समझे ना, डाइनिंग टेबल, सब कुछ, चेयर बेड, सब कुछ ला दिया 10-15 साल के अंदर नया घर लेने के बाद। फिर 10-15 साल हुआ उसके बाद, अभी ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, दूसरा टम चालू हो गया। पहले लाने में शक्ति, अभी रिपेयरिंग में शक्ति, ये दोनों में से जब खत्म हुआ तब हमारा शरीर बिगड़ने लगा, अभी इसको रिपेयरिंग करवाओ। नहीं समझ में आया? फिर पड़ता है डॉक्टर, रिपेयरिंग नहीं होगा तो बड़ा ऊपर जाने की तैयारी करो। तो आखिर हमने जीवन में क्या पाया? वेस्ट हो रही। तो यहां मैं आपके बाह्य जीवन को बदलना नहीं चाहता हूं, मगर आपकी दृष्टि को बदलना चाहता हूं, कि हमारी दृष्टि को हैंडीकैप मत बनाओ। आपको पैसा, साधन, संपत्ति सब कुछ मिले, इसको त्याग करने की जरूरत नहीं है, मगर हैंडीकैप बनने की भी जरूरत, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, वो समझने की जरूरत, वो ऐसा समझो कि आत्मा नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू है, ये नहीं है तो मैं नहीं, ऐसा नहीं कहो, मैं हूं तब ये है, यह सुनो, ये मकान, संपत्ति, सत्ता, साधन, संबंध सब कुछ है क्योंकि मैं हूं, तो कीमत किसकी है और करते किसकी है? बोला मकान नहीं है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप समझो, कोई ऐसा नहीं कहता कि आत्मा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये दृष्टि को चेंज करो, एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या तकलीफ है, नौकरी चली जाएगी तो क्या तकलीफ है, ये मिल जाएगी दूसरे, थोड़ी दिक्कत आएगी, मर तो नहीं जाएंगे ना,
आप समझे ना, हर चीज में एडजस्ट हो गए मगर वैल्यू किसी करो। हर व्यक्ति के अंदर, हर प्रकृति के अंदर परमात्मा को देखने की कोशिश करो, क्योंकि है सिर्फ दृष्टि की जरूरत है। क्या है हमको? एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर मां भी दिखती है, पत्नी भी दिखती है, बहन भी दिखती है और बच्चे भी दिखती है, राइट और रॉन्ग? तो परमात्मा क्यों नहीं दिखते? व्यक्ति तो एक ही है। आप समझे कि नहीं? आखिर बात तो दृष्टि की है ना। हम एक व्यक्ति को मां भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं यही फॉर्म में, बहन भी कहते हैं, फॉर्मेट तो लेडीज का होगा ना, और हमारी लड़की बच्ची है वही भी कहेंगे, वो भी फॉर्मेट एक है, क्योंकि दृष्टि अलग अलग है, फॉर्मेट एक ही है। तो वो फॉर्मेट में हमको परमात्मा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी लड़की में, लड़की को हम माँ के रूप में देख सकते हैं, लड़की के रूप में भी देख सकते हैं, पत्नी के रूप में देख सकते हैं, फॉर्मेट की बात करता हूं, ठीक है, जैसा रिलेशन, तो उसी में हम परमात्मा क्यों नहीं देख सकते? तो व्यक्ति के रूप में, अगर संबंध के रूप में देखना है, वो भी हमारे बिलीफ है। आप जिसको माँ कहेंगे, दूसरा कहेंगे ये मेरी पत्नी है, तीसरा कहेंगे मेरी बहन है, तो व्यक्ति तो एक ही है ना, बिलीफ अलग अलग है ना। तो अगर रिलेटिव बिलीफ हमको समझ में आती है, तो रियल बिलीफ क्यों समझ में नहीं आती है? अगर व्यक्ति कोई भी स्टेटस की है, मगर परमात्मा तो है कि नहीं? मगर दिखता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। तो प्रकृति को परमात्मा देखना, प्रकृति में परमात्मा देखना, वही भगवान के बताया हुआ रियल पुरुषार्थ। परमात्मा है तो सब कुछ है, परमात्मा नहीं है तो पहली बात है। दूसरी बात, ये हमारा पूरा जीवन कुदरत चलाती है। कौन चलाता है? हम नहीं चलाते। हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति पूरी लाइफ कुदरत चलाती है। अगर इसको, इसमें जितना भी डीप में जाओगे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उनका, उनकी हर अवस्था सुनिश्चित है आपके पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। इसमें राम को भी वनवास होगा, चॉइस नहीं है। राम को भी युद्ध करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। कृष्ण का भी जन्म जेल में होगा, चॉइस नहीं है। महावीर को भी दीक्षा लेने था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, चॉइस नहीं है। महावीर को भी कान में क्या लगाया, चॉइस नहीं है। जब ऐसे महान पुरुषों को भी अपने जीवन में चॉइस नहीं थी, तो क्या हमारे पास चॉइस है? है? यही सच्चाई को संबंध है। तो इसमें कितना भी डीप में जाएगा फर्क होगा? जब चॉइस नहीं तो फर्क कैसे होगा? क्योंकि यह शरीर ही कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए बनाया है, और भुगतान आप लेकर आए हो। इसमें आज आपके पास चॉइस तो इसमें डीप में मत जाओ, अंदर डीप में जाओ। कैसे भी करके अज्ञानता निकल जाए, अंदर राग द्वेष खत्म हो जाए, क्रोधमान माया लोभ खत्म हो जाए, वहां हमारा फोकस करो। यहां फोकस करने से कोई बेनिफिट नहीं। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीता हुआ जीवन सबका सुनिश्चित है। क्या है? और इसीलिए रामकृष्ण महावीर भी अपने वर्तमान जीवन को बदल नहीं सके। आप समझे? हमारे पास भाव करने की सत्ता है, और भाव से भाव है, क्रिया से भाव नहीं। क्यों? क्रिया खुद ही परिणाम है, परिणाम का परिणाम नहीं, मगर भाव है, इससे भाव बनेगा। भाव का मतलब उधर बीज है, इसका क्या आएगा? फल आएगा। फल का फल नहीं। अभी आपका वर्तमान जीवन में तो फल है, पिछले अवतार के बीज का फल है, तो फल का फल आएगा। मगर फल के समय आप कौन से बीज डालते हो, इसका फल तो ध्यान बाहर रखना है, अंदर और रखते हैं। दृष्टि परिवर्तन, क्या बताया? मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि नहीं आती? तो देखो, हम अपने जीवन में स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसे कोई भी व्यक्ति,
अगर ये बात हमको मालूम है, अगर ये हमारे विजन में सेट हो गई और व्यक्ति के अंदर परमात्मा है वो भी सेट हो गया, तो फिर किसी के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय राजद्वेष होगा, क्योंकि उनके पास फ्रीडम अच्छा करने की भी नहीं है और बुरा करने की भी हमारे पास भी नहीं है, मनोवचन के पास उनके पास भी, और दोनों को कुदरत करवाती है अच्छा है, तो फिर राजद्वेष करने की क्या आवश्यकता है? सब निर्दोष, और यही इसीलिए वितराग पुरुष ने पूरी दुनिया को पूरे विश्व के सभी जीवों को निर्दोष देखा, इसीलिए वो कहा गए और राग द्वेष करते तो हम कह रहे थे। तो गलती दृष्टि में है, क्रिया में है, क्रिया के लिए आप जिम्मेदार हो ही नहीं। कुदरत साफ बोलती है कि जन्म से मौत तक ये मन वचन काया से आप कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आप मालिक नहीं हो तो मालिक हो तो जिम्मेदार हो। क्या बताया? मैंने किया तो जिम्मेदार हो, मगर मालिक की भाव और कर्ता भाव नहीं है तो आप जिम्मेदार भी नहीं। जिम्मेवारी तब शुरू होती है, मैं इनका मालिक हूँ। राग द्वेष भी तो उदय ही है ना, खुद से तो नहीं करते। अगर किसी पे राग या द्वेष है वो भी हमारा उदय कर्म ही है ना जो हम करते हैं। आप राग द्वेष करते हैं इनटू इन्वर्टेड कॉमा, शरीर राग द्वेष करता है वो उदय है, अंदर से आप साइन करते हैं कि मैंने किया करना ही चाहिए बराबर किया, वो उदय नहीं। When you sign it, you are responsible. शरीर से जो हुआ वो उदय कर्म है वो मानता हूं, मगर अंदर से आपने सिग्नेचर कर दिया देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी जब आप बाहर के भाग से जुड़ जाते हैं तब जिम्मेदारी हो जाती है, जब आप बाहर के भाग से अलग हो गए तो आप मारामारी करोगे तो भी जिम्मेदारी। लाखों लोगों की हिंसा की राम ने, वही अवतार में मोक्ष में गए। यह सुन लो, अर्जुन ने लाखों लोगों की हिंसा किया वही अवतार में मोक्ष। यह सुन लो, ये इसका मालिक नहीं था तो जिम्मेदार भी नहीं था। आप मालिक है तो जिम्मेदार भी हो। तो प्रश्न एक्शन नहीं है, ओनरशिप है एंड डूअरशिप। मैंने किया वो भी अज्ञानता है, मैं हूं मेरा है वो भी है। कुदरत का चलाने वाला भी कुदरत है। ये मशीन को कौन चलाता है? हवा पानी खोरा कौन देता है? संजोग कौन देते हैं? ये साधन संपत्ति सबन कौन देते हैं? कुदरत ले भी कौन लेती है? तो तुम्हारा क्या है? तुम मालिक क्यों करते हो? कभी तुमने सोचा कि मैं ये श्वास लेता हूं एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर आप 60 बार श्वास लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एक मिनट के अंदर, एक घंटे में कितना हुआ? 3600। एक दिन में कैसा होगा? 24 घंटे में कितना होगा? एक महीने में कैसा होगा? एक साल में कैसा होगा? और 100 साल में कैसा होगा? कितना कितनी बार देना पड़ेगा? आप सोचोगे, ओ 100 साल जीने के लिए मेरे को 25 करोड़ बार श्वास लेना पड़ेगा, तब तो मैं थक जाऊंगा। तो सोच सोच के साथ लेते बोलते नहीं, आप समझे? अगर ऐसा सोचोगे तो पागल हो जाऊंगा। जीवन पानी की तरह बहता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुदरत आपको सब कुछ देगी, श्वास भी देगी, पानी भी देगी, खुराक भी देगी, कर्म के संजोग भी देगी, भुगतान के पाप पुण्य के सब कुछ कुदरत आपको देगी, सब कुछ। शरीर भी कुदरत का है, चलाता भी वो है, इसका अंत भी वो करता है। जब आपका नहीं है, दुनिया की कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ये सिद्धांत सबके लिए एक ही अलग अलग है, तो ये बातों को हमको समझना पड़ेगा। इसमें ये बात नहीं कि घर बार का त्याग कर दो, अपनी दृष्टि में अज्ञानता को निकाल दो, कि जो अज्ञानता से हमको राजद्वेष होता है, जो अज्ञानता से चिंता होती है, जो अज्ञानता से मेरा तेरा होता है, खाना पीना इतना घर में पड़ा है, सोने के लिए गद्दी पड़ी है, खाने पीने के लिए सामान घर में पड़ा है, बनाने वाला पड़ा है, फिर भी ये सोते सोते एयर कंडीशन में टेंशन करता है कल क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं समझ में आया।
कल गांधी भी वही रहेगी, खाना पीना भी वही रहेगा, बनाने वाला आने का, तुम क्यों टेंशन करते हो? मगर टेंशन क्यों करते? पैसा कम मिला, ज्यादा कम मिलेगा, किसी को दिया है तो वापस कब आएगा? बिजनेस करता हूं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? स्टॉक मार्केट लगाता हूं, स्टॉक मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा? इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी? कितना टेंशन। अब देखो, जब कुदरत का कानून कहता है शरीर के साथ सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तुम यूजर है तो टेंशन करने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं, मेरा है और मेरे पास ही। तुम टाइम बीइंग यूजर हो। क्या बताया? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सब कुछ मिलेगा, उपयोग करने के लिए ले जाने का नहीं। बोलते नहीं है, मगर मालिक की करते करते मेरा मेरा करके मर जाने का बोलते नहीं है। मैंने तो क्या कहा, एक रैंडम बात समझाने की कोशिश किया। अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मेरे को करो एनी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि मैं बताता हूँ वही बात करूँ, कोई भी प्रकार के प्रश्न करो। शायद जी आपने कहा था पहले कि दर्शन खुला होता है और लास्ट में जाके वो ज्ञान, तो एक दर्शन और ज्ञान एक चीज नहीं है? यही भ्रांति हमारे हिंदुस्तान में हजारों साल से चल रही है। जब भगवान थे तब नहीं थी भ्रांति, उसके जाने के बाद तो केवल ज्ञान हुआ नहीं तो भ्रांति। जब सब अज्ञानी होगा तो फिर क्या होगा? कोई अनुभवी होगा तभी बताएगा ना। सब शास्त्रों की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, फिर क्या होगा? उससे बाहर जाएंगे तो मालूम होगा ना। आज बाप और बेटे के बीच 25 साल का अंतर होता है, यह सुनो, बाप और बेटे के बीच एवरेज 25 साल का अंतर होता है, और 25 साल के अंतर में बाप बेटों को नहीं समझता है, बेटे बाप को नहीं समझता है, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। यह सुनो, यह सुनो, 25 साल के जिंदा लड़का और 50 साल का जिंदा बाप एक दूसरे को समझ नहीं सकता है, और वही बाप 500,000 साल पहले छापी हुई किताब को समझने बैठ रहा है, नहीं समझ में आया। अभी क्या होगा? नहीं समझ में आया, क्या करोगे? किताब उस समय के लिए लिखी गई थी, उस लेवल के लोगों के लिए लिखी गई थी। आज आप पढ़ोगे, बच्चे जो जिंदा है उनको नहीं समझ पाते हो, वो छपी हुई किताब को आप समझ पाओगे? इज इट ट्रू? बस यही अज्ञान। आप किसी के पास जाओ साधु समझाए, बोलो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वही मान लो। तुम आप नहीं मानते हो, आप तो महावीर के विरोधी हो, कृष्ण के विरोधी हो, राम कहते कि नहीं कहते? देखो, आपको इस प्रकार का मेस्मेरिज्म कर दिया कि वो जाल में से आप बाहर ही नहीं निकलो। आप समझे? अभी क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने कहा हर बात में सच्चाई समझो, तो दर्शन और ज्ञान की पहले परिभाषा जानो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान किसको कहते हैं और दर्शन। ज्ञान इसको कहते हैं हु आई एम, आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या है, मैं परमानेंट हूं या टेम्पररी हूं, मैं चेतन हूं या जड़ हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं हर शक्तियों से, हर शक्तियों, परमानेंट शक्तियों से लिप्त हूं, मेरी हर शक्तियां अविनाशी है। आप समझे? और मेरे को शरीर के साथ कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैं चेतन हूं और ये मैं हूं। इसका इसका इसकी जागृति होना, इसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। और दर्शन का मतलब होता है शरीर क्या है, शरीर कैसे चलता है, संबंध क्या है, संपत्ति क्या है, साधन क्या है, ये दुनिया क्या है, दिन रात क्या है, ठंडी गर्मी बारिश क्या है, सन एंड मून स्टार्स, ग्रह नक्षत्र क्या है, भर्ती ओढ़ क्या है, तेजी मंदी क्या है, पाप पुण्य क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है,
टेम्पररी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, ये सब कुछ समझना, इसका नाम है भेद को क्या कहेंगे आपने जो भेद जो है भेद हो जाता है आत्मा और शरीर का, तो वो दशा ज्ञानी दशा कहेंगे या उसको जब आपने जाना कि मैं ये हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं और मेरा भी भेद ज्ञान हो गया। पर पहले जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर मैं नहीं हूं हिस्सा कौन सा है, क्योंकि मैं तो इसको ही कहता हूं कि मैं हूं, फिर क्या होगा? तो ये तो ज्ञान में नहीं आएगा, दर्शन में आएगा। उनके साथ जुड़ी हुई सब चीजें किस में आएगी? दर्शन में। ये जो पांच चीजें दिखती है पूरी दुनिया किस में आएगी? दर्शन। और मैं किस में आऊंगा? ज्ञान। मेरे आधार सब कुछ किस में आएगा? दर्शन। पूरा ब्रह्मांड किस में आएगा? दर्शन। तो ये ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना, इसका नाम है सनातन सत्य। और ब्रह्मांड की व्यवहार को जानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य। और हम सब रिलेटिव सत्य में फंसे हुए हैं और सनातन सत्य जानते हैं और इसीलिए रागवेश करते रहते हैं। तो ये दर्शन और ज्ञान इन दोनों को जोड़ के रखा है, तो ये दर्शन हम क्या दर्शन बोल रहे हैं आप, या वो भेद होने के बाद का दर्शन है? जो दर्शन है ये जो संसार वो बाह्य दर्शन, बाह्य दर्शन बाह्य। और अभी एक जैसे भेद होने के बाद जो ज्ञान कहो उसको, तो दर्शन ज्ञान चाहे अपने तीन जो कहते हैं, तो वो भेद का एक भागी हुआ ना? बताओ मैं आपको, शरीर के साथ ज्ञान होता है, क्या बताया? शरीर के साथ ज्ञान होता है तो चारित्र होता है, तो ज्ञान भी है दर्शन भी है और वितरकता है तो वो चारित्र है। मगर शरीर नहीं है तो चारित्र भी नहीं है दर्शन भी नहीं है, केवल ज्ञान है। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप। मगर बॉडी है तो ज्ञान भी है दर्शन भी है और चारित्र भी। जब बॉडी नहीं है तो दर्शन भी नहीं है चारित्र नहीं है, सिर्फ अभी आप किताबों पर ढूंढोगे कहां से मिलेगा? आप समझे कि नहीं? तो अनुभवी पुरुष का मतलब ये, उनको सब कुछ दिखता है दर्शन में, वो बताते हैं, वो किताबों में से 24 तीर्थंकर ने किताबों में से नहीं बताया, रामकृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो किताबों में से नहीं कहा, क्योंकि सब अनुभवी पुरुष थे। और आज जो लोग धर्मगुरु बताते हैं वो किसमें से बताते हैं? इनको कोई अनुभव नहीं, वो क्या बताएगा? लिमिटेशन। चारित्र रूप करता है, ये बाह्य चारित्र है जो कर्मों के फल स्वरूप है। क्या है ये बाह्य चारित्र है? वो कर्मों के फल स्वरूप है। और आंतरिक चारित्र है वो या तो अज्ञान से है या तो विज्ञान से है। अज्ञान से है तो आंतरिक चारित्र में राग द्वेष कसा है, अगर विज्ञान से है तो राग द्वेष कसा है नहीं। और वो चारित्र को अनुभव कहते हैं। आंतरिक चारित्र से मोक्ष है और बाह्य चारित्र से संसार है। सब कोई भी फोटो को देख के मानते हैं कि आपको आपके जैसा चारित्र चाहिए, तो उसका मतलब विज्ञान है। तो भावना है, मीनिंग क्या है चारित्र? मतलब वो विज्ञान समझना। चारित्र का मतलब होता है आपके जैसा ज्ञान दर्शन और अनुभव मेरे को हुए, ये भावना इसके माध्यम से हम करते हैं। हम फोटो में चारित्र क्या है? वो तो जड़ है। उनका उनके पास जो जब उसके अंदर आत्मा थी और बॉडी था तब उसके पास ज्ञान दर्शन और चारित्र था। ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र आज हमको अनुभव में आए, ऐसे हम उसको देख के प्रार्थना करते हैं। वो मीडिया है, क्या है समझ में? ज्ञानावरण और अंतराय, अंतराय और ज्ञानावरण में क्या डिफरेंस है? अंतराय का मतलब होता है मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं और हर प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे पास है, मगर होते हुए भी अनुभव नहीं होता है, इसको कहते हैं अंतराय कर्म। नहीं होना तो है और नहीं होता, तो मतलब क्या हुआ? नॉलेज है अनुभव नहीं, वो तो
नॉलेज नहीं। तीन चीजें हैं वो, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोनीय कर्म, ये तीनों से अंतराय कर्म है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारी। तो पुरुषार्थ के लिए क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इससे अज्ञान धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र। तो फिर बाद में अंतराय टूट जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं? दैट्स इस प्रकार की प्रक्रिया है। पहले मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, तो अंतराय भी है। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वो पुरुषार्थ है अज्ञान को निकालने का। और जब अज्ञान निकल गया पूरा, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र, तो फिर केवल ज्ञान है, उसमें अशुद्धि नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो पुरुषार्थ के लिए। तो अंतराय कम होता है, वो कैसे? अंतराय कम नहीं होता है, अज्ञान कम होता है। क्या होता है? अंतराय जानना, अंतराय अज्ञान जाना ही आपको अध्यात्म के मार्ग की प्रगति को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म बनते ही नहीं है। अज्ञान नहीं है तो फिर कर्म बंद कैसे होता है? कर्म बंद ही अज्ञान से होता है, क्रिया से नहीं होता है। कर्म क्रिया से नहीं होता है। अगर कर्म क्रिया से होता है तो भी रामायण किया, राम ने लाखों लोगों को मार दिया, तो नर्क में जाना चाहिए, वो तो मोक्ष में गए। अर्जुन लाखों लोगों को मार दिया महाभारत में, फिर भी मोक्ष में गए। तो क्रिया तो अच्छी नहीं थी, फिर क्यों गए? मगर क्या नहीं था? अज्ञान नहीं था। अज्ञान से कर्म बंद होते हैं, क्रिया से नहीं होते। क्रिया तो कर्म फल है, फल का फल, मगर अज्ञान से नए कर्म बनते हैं तो इसका फल। मगर इसको अज्ञान नहीं है और बाह्य कोई भी क्रिया है तो इसके लिए जिम्मेदार जो मैंने पहले कहा, वो पहले तीन का कहा तो वो चौथा रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। तो ये तीन निकालने का जरूरी है। हाँ, पांच में रिजल्ट आएगा तो अंतराय निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, क्या है? तो हर बातों को समझना पड़ेगा, हर बातों को मूल रूप से, तत्व रूप से, सिद्धांत से, कुदरती कानून से, एज इट इज समझना पड़ेगा। गोल गोल नहीं चलेगा। आज हमारे पास क्या है? कोई किसी के पास जाओ, कोई भी साधु संत सन्यासी के पास जाओ, इनको कर्म और कर्म फल की परिभाषा नहीं मालूम। कोई भी साधु संत की बात करता हूं, जाओ आप इसके पास, नहीं बताएगा, वो किताब दे देगा, या तो ऐसे बोल देगा, ऐसे समझते हैं, वो डेफिनेशन नहीं बताएगा क्योंकि है नहीं। आप समझे? वो लेक्चर दे देंगे आधा घंटा एक घंटे का, मगर हमको कहो कि एक दो तीन सेंटेंस का मैंने डेफिनेशन तो नहीं देगा, क्योंकि नहीं मालूम, विजन नहीं है ना, नॉलेज है विजन। और जिसको विजन है वो एक और दो सेंटेंस में देता है। तो दृष्टि की बात है या क्रिया की बात? बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सुना है कि नहीं सुना है? आनंद गंजी का तो ये बात है। और इसीलिए हमको बार बार पक्का करना पड़ेगा अपनी दृष्टि को कि इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इंक्लूडिंग शरीर, सब कुछ हमारा था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। सिर्फ कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए ये सब कुछ दिया था और कर्म खत्म हो गया तो ले लिया। ये बात बार बार पक्की करनी पड़ेगी, बार बार, एक बार नहीं, समझे? बार बार हम स्लिप हो जाते हैं। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ज्ञान रहते हैं लेकिन दर्शन में हम बार बार गिर जाते हैं। यही तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी साधु संत सन्यासी हैं या जिसको हम ज्ञानी कहेंगे व्यवहार से भी, वो क्या कहेंगे? बस मैं आत्मा हूँ, इतना जानो, बाकी जानने की जरूरत नहीं। भाई तुम रहते हो तो संसार में,
तो संसार की सच्चाई को जानो ले, नहीं समझ में आया आप समझे कि नहीं? तुम चार दिन नहीं जाओगे गुरु भगवंत के पास कि गांव में आए हैं तो वो आपको टीका करेंगे कि क्यों नहीं आए भाई, मैं यहां हूं फिर नहीं आते क्यों, मेरे से बहुत बड़े हो गए, ऐसे क्यों नाराज हो जाते आप समझे? क्योंकि बस मैं तो आत्मा हूं, अरे भाई आत्मा हूं को कौन मना करता है, मगर फंसे किस में हो, आत्मा में फंसे हो कि दुनिया में? तो ऐसा ज्ञान जानो कि जो आप फंसे वहां से निकल, आप समझे कि नहीं? दो भाई थे छोटे बड़े, दोनों भाई अच्छी तरह रहते थे, थोड़े समय के बाद बड़े भाई को कोर्ट में केस चल रहा था, क्रिमिनल केस बड़े भाई का, और 101-102 साल के बाद उसका रिजल्ट आया और बड़े भाई को 10 साल की जेल हुई। क्या हुई? 10 साल की जेल, जेल हुई। अभी बड़े भाई के पास तो 25 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, डायमंड के रूप में, स्टॉक मार्केट में रूप में 25 करोड़ पड़ा है बैंक के अंदर लॉकर में, मगर क्या हुई? जेल हो गई, जेल हो गई। अभी जेल में गया 10 साल के लिए, कितना? 10 साल के लिए। फिर वो 25 करोड़ का मालिक है मगर 1 रुपया भी यूज क्यों नहीं कर सकता है? तो इंपॉर्टेंट पैसा है या जेल में से निकलना? जेल में से निकलना। तो इंपॉर्टेंट आत्मा है या अज्ञान से निकलना है? वो अज्ञान से निकलना है। आत्मा तो अपनी जगह पे है कि नहीं, कि उसको बनाने का है? आत्मा में शक्ति वाला है कि नहीं? आत्मा चेतन है कि नहीं? आत्मा अविनाशी है कि नहीं? तो वहां कौन सा पुरुषार्थ करना है आपको? मगर ये संसार में फंसे हैं कर्मों के वश, ये संसार के अंदर जेल में फंसे हुए हैं, इसमें से बाहर वो निकलेंगे तो उसका अनुभव होगा, उसमें से नहीं निकलेंगे तो भी मेरे पास 25 करोड़ बोलने से अनुभव भी, मैं शुद्धात्मा हूं बोलने से क्या होगा? अज्ञान तो पहले मिटाओ, आप शुद्धात्मा हो मगर अज्ञान के साथ हो तो कोई बेनिफिट नहीं। आप जेल में है 25 करोड़ है फिर भी वैल्यू, पहले क्या करो बाहर निकलो, यह सुन लो, यह सुन लो, मैं आत्मा हूं बोलने से क्या होगा? अज्ञान खत्म हो गया। तो पहले अज्ञान को मिटाओ जिसके आधार से हम संसार में, वो अज्ञान को निकाल लो, संसार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अज्ञान तो अंदर है वो निकालोगे तो आप में संसार नहीं रहेगा, भले शरीर संसार में रहेगा मगर आप में संसार नहीं रहेगा, तो फिर आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है। अज्ञान के साथ जिसको भी अनुभव हुआ आत्मा का, तीर्थंकर को कहो, केवली भगवंतों को कहो, वो अज्ञान निकलने के बाद हुआ है, आया ना कि अज्ञान के साथ होता है आत्मा का अनुभव, तो हमारी लिए प्रक्रिया अलग होगी कि वही होगी, हमको भी वही अज्ञान को मिटाना, संसार को नहीं मिटाना है अज्ञान को मिटाना है जिससे नया संसार बनता है। तो ये बात को तो समझ नहीं, तो लोग उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को, फिर उल्टा का फिर और उल्टा करना पड़ता है तो सुलटा हो जाता है आप समझे? क्योंकि लोग कहते भी आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, भाई आत्मा में रहने को कौन मना करता है, मगर संसार लगा हुआ है तो क्या करेंगे? इसीलिए पहले संसार के प्रति जो हमारा अज्ञान है, दृष्टि में अज्ञान है, इसको पहले दृष्टि में से मिटाओ, वो दृष्टि में से अज्ञान निकल जाएगा और बाहर संसार रहेगा, जैसे रामकृष्ण महावीर को भी तकलीफ नहीं हुई वैसे आपको भी नहीं, मगर अज्ञान है तो तकलीफ रहेगी ही और आत्मा का भी अनुभव नहीं। तो बाहर अज्ञान को निकालना है दृष्टि में से, वो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मन वचन काया को बदलना है, मन वचन काया को ये क्रिया करवाना है ये नहीं करवाना है, ये विषय अध्यात्म का नहीं है। यस, ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्म बंधन समाप्त होता है, क्या बता? ज्ञान
ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्म का बंधन समाप्त होता है। ज्ञाता दृष्टा की डेफिनेशन बताओ। अपने को वेद विज्ञान में अपना शुद्धात्मा के रूप करके प्रकृति से अलग देखते हैं। कौन रखेगा, कौन किससे रखेगा अलग? दो है, तीन है, कितने हैं? कौन किससे अलग रहेगा? आत्मा है? आत्मा के जागृति से अलग। तो आत्मा में जागृति नहीं है, आत्मा जुड़ गया है शरीर के साथ, ये सब कुछ मालूम नहीं है ना हमको। यही तो बात है, जाना है आपने मगर गोल गोल जाना है, क्या है प्रिंसिपल ही नहीं है। तो शरीर, शरीर और आत्मा के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है। कौन है? जिसको कहते लाइव ईगो, आई एम, मैं हूं, वो आत्मा भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, आप समझे? तो लाइव ईगो है, इसके पास अज्ञान है, इसके पास पुरुषार्थ करने की क्षमता भी है, इसके पास अज्ञान को मिटाने की भी क्षमता है, अगर सही दृष्टि मिले तो, और सही पुरुषार्थ करे तो। दृष्टि भी प्रतिष्ठित आत्मा ही लगती है। सब कुछ, दृष्टि भी उनके पास, पुरुषार्थ भी उनके पास, उल्टा पुरुषार्थ करना वो भी उनके पास, सही पुरुषार्थ करना उसके पास, ज्ञान भी उनको मिलता है। ये तो जड़ है, इसको ज्ञान मिलागा तो फिर इसको जला दिया गया तो ज्ञान चला गया, नहीं समझ में आया? इसको ज्ञान इसके माध्यम से इसको होता है, ये मीडिया है, मीडिया समझते हैं, मगर होता किसको है? लाइव ईगो को, इसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। वो जैसी प्रतिष्ठा करेगी वैसा कर्म बनेगा पैकेज, और कर्म के हिसाब से कर्म फल मिलेगा। हर समय अज्ञानता के बस प्रतिष्ठित आत्मा कर्म बनाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉज, और पूरी लाइफ का जो कॉज बनेगा इसका नाम है कॉजल बॉडी। क्या बनेगा? और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत नेचर भी डिसाइडेड, वो आपको इफेक्ट बॉडी देगा, मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की, एनिमल की, नरक गति की, देव गति की, डिसाइड कौन करेगा? एज पर योर कॉजल बॉडी, कार्मन शरीर, कार्मन शरीर। अब समझ में आ गया? तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो ये सब बातें साइंटिफिकली समझना चाहिए, तो आप धर्म के माध्यम से विजन से ऊपर जाओगे तब समझ में आएगा, धार्मिक बातों में ये समझ में है नहीं आएगा, आप समझे? इसीलिए मैंने पहले कहा राम कृष्ण महावीर ने कोई भी धर्म की क्रिया कांड की बात ही नहीं कहा, उन्होंने सबने ये दुनिया का सनातन सत्य ही बताया जो संप्रदाय से ऊपर था, आप समझे? मगर हमने वही बातों को सांप्रदायिक मोड ले लिया। क्यों ले लिया? अपने पक्ष और पंथ को मजबूत करने के लिए। मैं अगर राम को मानता हूं तो राम को इतना महान बताऊंगा ताकि आप मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दोगे, नहीं समझ में आया? मैं इतना महान बनाऊंगा, इतना महान बनाऊंगा इसको, क्योंकि बोलने का ही है, वो तो चले गए, आपको बताने का ही है ना कि राम कितने महान थे, कितने महान थे, कितने महान थे। इसका मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो बाद में आएगा पहले महानता बताएंगे, फिर क्या करेगा? तो आशय क्या है उसका? बात करते समय हाउ टू मेक मनी फॉर टेम्पल एंड संस्था, तो द इंटेंशन इज अ रिलेटिव, नॉट फॉर द मोक्स। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो इंटेंशन इज कनेक्टेड विद द संसार, फिर आप कहोगे मैं मुक्ति की बात करूंगा, सही है बात? ऐसे चलता है, आप समझे? अगर मैं यहां कहूंगा कि मैं दादा भगवान का 1000 फुट का स्टैचू बनाऊंगा ये बैंगलोर के अंदर, और इसकी महानता गाता रहूंगा, टीवी में बताता रहूंगा, न्यूज़पेपर में छपवाता रहूंगा, लोग कहेंगे स्वामी जी इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, इतनी भव्य मूर्ति बनाता है, हमको भी सेवा का मौका दो, लोग पैसा दे के जाएंगे, क्योंकि महानता मैंने बताई और मूर्ति बनाना है तो पैसा तो चाहिए, तो लोग देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और मूर्ति बन गई 1000 फुट की, उसके साथ संस्था भी बन गया बड़ी, रहने की, खाने की सब सुविधा भी बन गई। अभी सब कुछ बनने के बाद ये पूरे साम्राज्य का मैं मालिक बन गया, अभी जो पैसा आएगा वो किसका होगा? मेरा। इट्स अ गुड बिजनेस विदाउट लॉस,
मैं ओपन नहीं कहता हूं, ये सब टीवी में आएगा, डोंट वरी। कोई जिम्मेदारी, लॉस हो गया आप दे दो, खत्म हो गया आप दे दो, मालिक में देने का आपको, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बना दिया, राम को, कृष्ण को, महावीर को, क्यों पैसा एटीएम क्या बताया, नहीं समझ में आया। तो मेरी सच्चाई है वो दुनिया को एक दिन स्वीकार करनी पड़ेगी, आप समझे, क्योंकि मेरे को स्वार्थ और लालच नहीं। मेरा कोई प्रोजेक्ट टेंपल का नहीं है, इंस्टीट्यूट का नहीं है, और नई शिष्य बनाने का है। ये तीन बातें मेरे दिमाग में नहीं है, मंदिर बनाना, संस्था बनाना और शिष्य बनाना, ये तीन प्रोजेक्ट पूरी लाइफ के लिए मेरा नहीं। मैं खुद कहता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ज्ञान दर्शन से मैं समर्थ हूं, और आपको समर्थ बनाने के लिए आया हूं, हैंडीकैप बनाने के लिए। जब मैं विदेश में जाता हूं, हर साल जाता हूं देश विदेशों में, तो विदेश के पत्रकार मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप इतने सारे लोग टेंपल बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, आप क्यों टेंपल नहीं बनाते हैं? जिसका बनाना है बनाओ। मैंने कहा मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए आया हूं। ये पत्थरों का मंदिर ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं, मैं विरोधी भी नहीं हूं, मगर मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं। यही तो कसायों का कारखाना है जिससे राजद्वेष बनता है, कसाय बनता है, मालिक के भाव बनता है, ओनरशिप डुअरशिप बनते हैं, और यही धर्म मन का चक्कर चालू रहता है। क्या फायदा करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों जिम्मेदार है, यह सुन लो, ये कुदरत का कानून है, ये कोई धर्म का व्यक्ति का कानून और कुदरत का कानून, मानोगे या ना मानोगे आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, यह आपकी मान्यता के ऊपर ही है। आप नहीं मानोगे तो भी वही होगा। अगर मैं मुसलमान होकर कहता हूं कि मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं, फिर भी कर्म के भुगतान आएगी। अगर क्रिश्चियन होकर मैं कहता हूं कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं, फिर भी पुनर्जन्म होगा, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करता है। आप में अज्ञानता है तो वो क्या करेंगे, कुदरत का कानून सबके लिए क्या है, और एक ही रहेगा, वो आपकी मान्यता है आधार तो रोज या व्यक्ति व्यक्ति से पलटता नहीं रहेगा, आप नहीं जानते, वो आपकी अज्ञानता है। नहीं जानता संयोग ही वैसे का। क्यों आया? उसका पाप का काम बात, जिम्मेदार तो वही रहा ना, आप जो भी कहोगे जिम्मेदार तो वही है ना, बीज का फल, तो बीज में, बीज समय जो गलती थी कि नहीं, उसके फल समय नहीं है, बीज में तो थी ना। अभी जब बीज की भुगतान करते हैं तब कौन सा बीज डालते हैं, उसका फल आएगा, ये फल का फल नहीं आएगा, मगर बीज का तो आएगा ना। अभी मैंने गुस्सा कर दिया आपके साथ, ये मेरा कर्म फल है, आपका भी कर्म फल है, मगर गुस्से करने के बाद अंदर में मैंने सोचा कि करने जैसा ही था, तो वो भी बन गया, नेक्स्ट पर्सन वही आएगा, तो गलती तो आएगी नहीं, सिग्नेचर नहीं किया, दैट्स इट, तो कुछ नहीं होगा, तो क्लियर हो जाता, डिलीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, करने के इंटेंशन नहीं है फिर भी हो जाता है, वो संयोग का ही काम, कंपलसरी है ना, हिसाब, इसी को तो कर्म कहते हैं, कर्म आपकी मर्जी से नहीं चलता है, आपके हिसाब से चलता है। राम की मर्जी से अपना जीवन नहीं था राम का, और कृष्ण की मर्जी से कृष्ण का जीवन नहीं था, और महावीर की मर्जी से महावीर का जीवन नहीं था, यह सुन लो, मैं बाह्य जीवन की बात करता हूँ, अंदर के जीवन की बात नहीं करता हूँ। राम कृष्ण महावीर का जीवन भी अपने पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ही चला, और उसको जीना ही पड़ा, चॉइस भी नहीं, खत्म भी नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, कंपल्सरी, अगर कॉज डाला है तो इफेक्ट की भुगतान आएगी ही, आप मानो या ना मानो, तो जितना कर्म का फल आएगा सिग्नेचर नहीं किए तो कर्म से खत्म हो, फ्री होते रहेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो मोक्ष नीति के लिए सहयोग होगा। अभी तो अज्ञान को खत्म करने के लिए सहायक इतना समझो, अज्ञान खत्म हो जाएगा इसी का नाम मोक्ष है, अज्ञान रहेगा वहां तक संसार रहेगा ही, कम या ज्यादा भी अज्ञान होगा तो भी भटकना है, और अज्ञान को शून्य करना है, बस ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, अज्ञान को निकालना, वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है, बन
वही पुरुषार्थ है। पाप पुण्य को, पाप पुण्य को बनाना ये जन्म मरण का पुरुषार्थ है और अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक पाप पुण्य की बात करते हैं वो संसार चलाने के लिए और एक अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं वो संसार से मुक्त होने की। तो दोनों का एंगल क्या है? आपको चूज करना है कि मेरे को संसार अच्छा करना है या संसार को समाप्त करना है। संसार को अच्छा बनाना है तो पाप कम करो पुण्य ज्यादा करो, संसार से मुक्ति पाना है तो अज्ञान को मिटाओ। ओनली टू ऑप्शन, समझ में आया? अज्ञान है तो संसार रहेगा ही, अज्ञान मिट जाएगा तो संसार रहेगा भी नहीं। आप समझे ना? तो अज्ञान को निकालना वो इंपॉर्टेंट बात है। ये मन वचन काया को बदलना वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बदल भी सकते हैं नहीं, तो उसमें एफर्ट करोगे तो भी बेनिफिट। केवल ज्ञान का जो स्थिति है उसमें उसका अज्ञान नहीं रहता, वो स्थिति में क्या वो सिर्फ मैं वो तो बोलने की भी जरूरत है। स्वभाव, अपने स्वास्थ्य स्वभाव में मैं शुगर को शुगर मानता हूँ और शुगर की मिठास का अनुभव करता हूँ वो संसार है, और शुगर को शुगर का अनुभव होता है ये इनका स्वभाव है। मैं अनुभव करूंगा ये मेरा विभाव है क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया, मगर सुगर ने सुगर का अनुभव किया ये इनका स्वभाव है, स्वभाव है उनका। तो आत्मा ने आत्मा का अनुभव किया वो स्वभाव है, मगर आत्मा की आत्मा संसार का अनुभव किया वो विभाव है। तो विभाव को निकालने के लिए अज्ञान निकालना, तो वो आत्मा स्वरूप ही हो जाएंगे बस, उधर तो दर्शन नहीं होगा, फिर दर्शन नहीं, संसार रहेगा जहां तक कर्म है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान में ही फुल होता है, लास्ट तब तक तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का निश्चय कर सकते हैं, अनुभव कैसे? अगर आत्मा का अनुभव होगा तो पुरुषार्थ क्या जरूरत है? यानी कहते हैं अगर 1% का आत्मा का अनुभव हुआ वही 100% है। तो अब हम जो चरित्र में जो चेंज होता है वो अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा के लक्ष्य का अनुभव है। उपाधि तो समाधि रहेगा जैसा, अभी कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, अस्पष्ट अभी हो सकता है, अभी का मतलब होता है लक्ष्य पक्का करना वो अस्पष्ट। हमारी बिलीफ है कि मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, ये लक्ष्य पक्का होता है तो धीरे धीरे संसार में वैराग्य रहता है, मगर वो आत्मा का अनुभव इसलिए अस्पष्ट वेदन बनता है। संसार का वेदन कम हुआ और आत्मा के लक्ष्य का वेदन बढ़ा, मगर वो स्पष्ट वेदन नहीं। मगर वैराग्य रहेगा संसार के प्रति और आत्मा का लक्ष्य पक्का होता जाएगा। और जब हाँ और सब पूरा अज्ञान निकल गया तो बाद में लास्ट वक्त में स्पष्ट वेदन, फिर पुरुषार्थ नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ शरीर और आत्मा रहेगा, शरीर का अंत होगा, आत्मा कहाँ जाएगा? क्योंकि अज्ञान तो है नहीं और कर्म बांधने वाला भी नहीं है, तो फिर ये इसका कर्म भुगतान करने का खत्म हो जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में, क्योंकि और कोई कर्म बाकी नहीं है। ये साइंटिफिक प्रक्रिया। यस, अभी जो अनुभव हो रहे हैं जैसे कि दादा ने ज्ञान दिया आत्मा का अनुभव किसी को नहीं होता है, लास्ट बर्थ में होता है, मगर आत्मा का लक्ष्य और निश्चय बढ़ता है और संसार में दिन ब दिन वैराग्य रहता है वेद विज्ञान से। क्या रहता है? आत्मा का अनुभव लास्ट बर्थ में होता है, आत्मा का अनुभव हो गया पूरा करके जाओ क्या जरूरत है? अभी जी तो सेपरेशन का अनुभव किसको? और मैं शुद्धात्मा हूँ वो राइट, वो बिलीफ है, और बिलीफ क्या होता है? उपयोग करने से पक्की होती है,
इसकी बिलीफ कमजोर होती है। इसकी बिलीफ अभी जो प्राप्त हुई वो अगले जन्म में भी वापस आए, वो डेवलपमेंट के रूप में आए, जरूर आए। तो इसको वेद ज्ञान को अपना आत्मा अनुभव नहीं कहते, यही तो वेद विज्ञान है, वही उसको आत्मा अनुभव नहीं कह सकते। आत्मा का अनुभव कह सकते परमात्मा का नहीं। हाँ, आत्मा का मतलब होता है अपने स्वरूप का लक्ष्य निश्चय, वो आत्मा बोलते हैं। और जब अनुभव हो गया इसको परमात्मा कहेंगे। अभी अनुभव है, अभी आत्मा का अनुभव है, मतलब बिलीफ का अनुभव कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं। मैं एग्जांपल दूं तो आपको मालूमगा, अगर आप ये चीज का मालिक हो, ठीक है, व्यवहार से आपने खरीदा है, अगर कोई इसको तोड़ देगा तो क्या होगा? दुख होगा, ठीक है। कोई इसको ले लेगा तो दुख होगा, ठीक है। मगर जब आपको मालूम हुआ कि शरीर मेरा नहीं है और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज मेरी नहीं है और मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, अगर यही जागृति रहती है तो राजद्वेष होगा? नहीं। कोई ले लेगा तो भी होगा? तो बात फिर क्रिया की है या दृष्टि की है? दृष्टि। तो ये दृष्टि से आपको आत्मा का ज्ञान पक्का होगा और संसार का ज्ञान कच्चा होगा, जिसे राजद्वेष होता था, और ज्ञान तो निकल जाएगी और आत्मा का ज्ञान पक्का होगा। और आत्मा का ज्ञान जब पूरी अज्ञान निकल गई तो वही आत्मा क्या हो जाता है? परमात्मा। फिर आपको पुरुषार्थ की जरूरत, क्योंकि जिसका अनुभव करना था वो हो गया। जैसे जैसे मैं यहाँ बैंगलोर हूँ, ठीक है, अभी मैंने सोचा कि मेरे को बाय रोड बैंगलोर से जाना है हैदराबाद, और इसके बीच मानो कि 600 किलोमीटर का अंतर है, अप्रोक्सीमेट 500, ठीक है, 600 किलोमीटर का अंतर है। तो अभी मैं तय किया, लक्ष्य नक्की किया कि मेरे को यहाँ से हैदराबाद जाना है, ठीक है। अभी गाड़ी स्टार्ट किया हैदराबाद की, और ठीक है, अभी 50 किलोमीटर आने के बाद मैंने सोचा अभी हैदराबाद तो दिखता नहीं है, फिर 100 किलोमीटर गया बोला अभी भी दिखता नहीं है, फिर 200 किलोमीटर गया तो भी नहीं दिखा, तो हमको लगा कि हम सही रास्ते पर है गलत रास्ते पर है। भाई नहीं, ये हैदराबाद का अनुभव नहीं है, ये हैदराबाद की ओर जाने के रास्ता का अनुभव है। मगर ये रास्ता का एंड जब 600 किलोमीटर आएगा तो भी हैदराबाद में ही आ गए, फिर आपको जाने की जरूरत एंड हो गया। मगर जहां तक हैदराबाद की ओर जा रहे हैं वहां तक तो पुरुषार्थ है, सही रास्ते का है और आगे भी चलना पड़ेगा। मगर जब हैदराबाद आ गया फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, तो फिर बोला हैदराबाद का अनुभव हो गया। मगर हम तो क्या कहेंगे, अभी 200-300 माइल चले, बोलो अभी दिखता नहीं है, 400 माइल अभी दिखता नहीं, मगर कैसे दिखा के? यू आर ऑन द वे, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। तो ये आत्मा का परमात्मा का अनुभव करने के लिए ये आत्मा का रास्ते पर जा रहे हैं। जब अनुभव हो गया तो परमात्मा हो गए, फिर आत्मा के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, फिर सेपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो आप हो गए। अभी कर्म बर्म बनेगा, शरीर कुछ भी करेगा तो भी कर्म बनेगा, क्योंकि आप शरीर है नहीं, अभी परमात्मा हो गए, और शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो जितना कर्म बाकी रहा है उसके भुगतान करनी ही पड़ेगी, चाहे राम हो कृष्ण हो या महावीर हो, मगर ये कर्म बीच में नहीं आएगा क्योंकि अज्ञान नहीं है। अभी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए है वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ।
हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।